तो क्लास शुरू किया जाए। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा फॉर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स। तो लेट अस स्टार्ट। मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से, ठीक है, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स से। बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले नंबर सिस्टम से, नंबर सिस्टम से, ठीक है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम में जो सबसे छोटा फैमिली होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? तो नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो है ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है, ठीक है। और नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल N से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर के सेट को हम लोग किस चीज़ से डिनोट करते हैं? कैपिटल N से। नेचुरल नंबर के बाद में आता है होल नंबर्स। नेचुरल नंबर के बाद में कौन सा आता है? होल नंबर्स, ठीक है। होल नंबर्स को हम लोग W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? W से, ठीक है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है बताओ तो तुम लोग? जीरो से, ठीक है। जीरो, तो जीरो से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ये सब क्या है? होल नंबर है। मतलब कि नेचुरल नंबर एंड जीरो को हम बोलेंगे होल नंबर, ठीक है। होल नंबर से बड़ा फैमिली होता है इंटीजर्स। होल नंबर से बड़ा फैमिली कौन होता है? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। और इंटीजर्स में हम लोग पॉजिटिव साइड में लेते हैं 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, और जीरो होता है बीच में। और नेगेटिव साइड में होता है -1, -2, -3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। पॉजिटिव साइड में क्या है? 1, 2, 3। नेगेटिव साइड में है -1, -2, -3 ये सब, ठीक है। और बीच में कौन सा नंबर है? जीरो है। इसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि क्या -2.5 इंटीजर है कि नहीं है, गणेश आप बताइए, क्या -2.5 इंटीजर है? हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। अच्छा कोई और बताओ भाई, -2.5 इंटीजर है कि नहीं है? -2.5 इंटीजर नहीं है, ठीक है। इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, इंटीजर पॉइंट में नहीं होना चाहिए। -2.5 इज नॉट एन इंटीजर, इंटीजर पॉइंट में नहीं होना चाहिए, समझे। और इंटीजर के सेट को हम लोग डिनोट करते हैं जेड से या कभी कभी आई से भी, ठीक है। तो इंटीजर के सेट को जेड से या फिर आई से डिनोट करते हैं, है ना। इसके बाद इंटीजर से बड़ा फैमिली होता है रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर होता क्या है कोई बताओ तो जल्दी से, रैशनल नंबर क्या होता है? एक नंबर जो पी वैल्यू के फॉर्म में, ठीक है, और इज नॉट इक्वल टू 0 एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। और पी और क्यू क्या होना चाहिए? पी और क्यू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर नहीं। पी और क्यू क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ए नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर्स इज नोन एज रैशनल नंबर, ठीक है। रैशनल नंबर का सेट को हम लोग क्यू से नोट करते हैं, ठीक है। अच्छा कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं। क्या 2 रैशनल नंबर है? 2 रैशनल नंबर है, बोलो। नो सर, क्यों नहीं है भाई? 2 by 1 नहीं ले सकते हैं? यस सर, हाँ सर, सॉरी, ठीक है। तो 2 रैशनल नंबर है, क्या -2 रैशनल नंबर है? यस सर, वो भी है, ठीक है। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या 2.5 रैशनल नंबर है?
वो भी है 2.5 को लिख सकते हैं 25/10, और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको हम लिख सकते हैं 5/2, ठीक है, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। इसके बाद क्या 2/3 रेशनल नंबर है? ये तो है ही, ये तो है ही, ठीक है। अच्छा, क्या 0.3333 डॉट 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 रेशनल नंबर है अनिमा? यस सर, रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि तुम लोग को याद होगा क्लास 10 से या 10 के पहले से इसको 1/3 ले सकते हैं, ठीक है, इसको 1/3 ले सकते हैं, क्योंकि 1/3 का वैल्यू कितना होगा बताओ तो, यही आएगा 1/3, यही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा ये क्या था, ये इसमें था क्या, ये रिकरिंग डिजिट्स था, रिकरिंग डिजिट्स था, ठीक है। ये रिकरिंग का मतलब क्या होता है, रिपीटिंग, रिपीटिंग, तो अगर रिपीटिंग डिजिट्स है तब भी वो रेशनल नंबर होते हैं, तब भी वो रेशनल नंबर होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट, अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए कि क्या ये रेशनल नंबर है 1.01001001 डॉट डॉट डॉट, क्या ये रेशनल नंबर है? दिस इज नॉट रेशनल नंबर, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ये ना तो टर्मिनेट कर रहा है ना ही रिपीट कर रहा है, ठीक है। क्या रूट टू रेशनल नंबर है? क्या रूट टू रेशनल नंबर है? नहीं, इसको भी पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो, ठीक है। क्या पाई रेशनल नंबर है? पाई भी नहीं, पाई रेशनल नंबर नहीं है, 22/7 रेशनल नंबर है। कौन बता दिया 22/7 रेशनल नंबर है, लेकिन पाई रेशनल नंबर है? सही है, पाई रेशनल नंबर नहीं होता है, ठीक है, पाई नॉट रेशनल नंबर। पाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है किसी को नहीं पता है, ठीक है, 3.3 कुछ, वो एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी होता है भाई, हम क्या बोले, हम क्या बोले अभी सुने थे, हम बोले थे कि हाँ 3.14 अप्रॉक्स वैल्यू होता है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है तो कोई नहीं बता सकते, ठीक है, तो पाई इरेशनल नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टैंडर्ड 11 में एक और इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कस किए हैं, वो ई होता है, ठीक है, ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7, ठीक है। तो जो हम काट के रखे हैं वो सब रेशनल नंबर नहीं है, वो इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर है। देखो रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है, रेशनल नंबर का एक और डेफिनेशन होता है, क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिपीटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर्स, ठीक है, ये याद है तुम लोगों को, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, या फिर रिपीटिंग डेसिमल, अगर है तो दीज आर रेशनल नंबर्स। बस हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं, लेकिन जल्दी जल्दी रिवाइज कर रहे हैं तब भी तुम लोग को थोड़ा मोड़ा प्रॉब्लम तो है ही, ठीक है, इसीलिए रिवाइज कर रहे हैं और कुछ नहीं। नेक्स्ट, रेशनल नंबर के बाद में जो फैमिली आता है उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू डैश से डिनोट करते हैं या फिर क्यू सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और इरेशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड पे हम स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है, एंड पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब दोनों होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, लेकिन रेशनल नंबर क्या था, आइदर टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, मतलब दोनों में कोई एक हो जाए तो रेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रेशनल नंबर होने के लिए क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग भी होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग भी होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कहीं रुकना नहीं चाहिए और नॉन रिपीटिंग मतलब रिपीट भी नहीं करना चाहिए, तब इस तरह के नंबर को बोलते हैं इरेशनल नंबर, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि रूट टू का वैल्यू क्या होता है, तो रूट टू का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 1.414,
लेकिन आगे में जब वैल्यूज लिखोगे तो वो ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, ठीक है। मतलब तुम इसको देख करके ऐसा मत बोल देना कि 1414 रिपीट कर रहा है, 1414 रिपीट नहीं कर रहा है। तुम आगे में वैल्यूज डालोगे तो वो रिपीट नहीं करेगा और ना ही टर्मिनेट करेगा। तुम रूट टू का वैल्यू निकालते जाओगे निकलते जाएगा, वो कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। तो रूट टू क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। सिमिलरली पाई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 3.14, ठीक है, लेकिन इसका एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है वो पता नहीं। सिमिलरली ई का अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है 2.7, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है पता नहीं। तो दीज आर सम इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट जो फैमिली है वो है रियल नंबर्स, रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर के फैमिली को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, रियल नंबर के फैमिली को हम लोग किस से डिनोट करते हैं, आर से, ठीक है। और आर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिला के होता है। मतलब रियल नंबर इज नथिंग बट रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, मतलब सारा रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स। तो रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स मिला कर करके रियल नंबर बनाएगा। ठीक है, तो रियल नंबर का एग्जाम्पल 0 भी हो सकता है, रियल नंबर का एग्जाम्पल 1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 0.25 हो सकता है। इसके बाद रूट 3 हो सकता है, पाई हो सकता है, दीज आर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। अभी फिलहाल इतने तक ही पढ़ना है, इतना तक पढ़ के आए हो तुम लोग। इसके बाद जो नेक्स्ट फैमिली मिलने वाला है वो है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर एक अलग से चैप्टर है जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर ट्रिग्नोमेट्री के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी तक हम लोग को रियल नंबर ही रिवाइज करना था, ठीक है। अब इसके बाद कुछ टर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, इवन इंटीजर्स, ठीक है। तो इवन इंटीजर का जो फॉर्म होता है वो होता है 2n। इवन इंटीजर का फॉर्म जो होता है, फॉर्म मतलब इवन इंटीजर को जिस तरीके से लिखते हैं वो होता है 2n, जहाँ पे n कोई भी इंटीजर है। जेड मतलब क्या होता है इंटीजर, 2n का मतलब ये होगा कि ये एक इवन इंटीजर है, ठीक है। जैसे मान लो कि n का वैल्यू 1 ले लें, n का वैल्यू 1 ले लें, तो अगर n 1 ले लें तो 2n का वैल्यू कितना होगा जी, 2 × 1 मतलब 2। 2 इवन है या ऑड है बताओ, इवन है। अगर n का वैल्यू 0 ले लो, n का वैल्यू 0 ले तो 2 × 0 मिलेगा, 2 × 0 क्या मिलेगा, 0। 0 इवन है या ऑड है, 0 इवन है, ठीक है। n का वैल्यू अगर -2 ले लें तो 2 × -2 मिलेगा, और ये क्या मिलेगा, -4, -4 इज ऑल्सो इवन, 0 इवन होता है, ठीक है। 0 क्या होता है, इवन होता है। तो हम बोल सकते हैं कि अगर किसी नंबर का फॉर्म 2n है, जहाँ n कोई इंटीजर है, n क्या है, कोई इंटीजर है, तो दिस रिप्रेजेंट इवन इंटीजर। कोई कन्फ्यूजन किसी को, बोलो निखिल, और एक्सप्लेन करने की जरूरत है, ठीक है। इवन इंटीजर के बाद में आता है ऑड इंटीजर्स। अच्छा, इवन नंबर के साथ अगर 1 ऐड कर लो तो इवन मिलेगा या ऑड मिलेगा, ऑड मिल जाएगा। और इवन नंबर के साथ 1 माइनस कर लो, इवन नंबर से 1 माइनस कर लो, तब क्या मिलेगा, तब भी ऑड मिलेगा, ठीक है। तो अगर ऑड इंटीजर बताना है तो ऑड इंटीजर के लिए क्या करो कि इवन इंटीजर से 1 ऐड कर लो, इवन इंटीजर के साथ 1 ऐड कर लो, या फिर इवन इंटीजर के साथ 1 माइनस कर लो, इवन इंटीजर से 1 माइनस कर लो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ऑड इंटीजर का फॉर्म होगा आइदर 2n+1 और 2n-1, ठीक है। जहाँ n क्या है, जहाँ n कोई भी इंटीजर है, n कोई भी इंटीजर है,
चमक गया ना तुम लोग को, कोई दिक्कत है बोलो? नहीं। नेक्स्ट जो टर्म हम यूज करेंगे वो टर्म यूज करेंगे नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, ठीक है। नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव मतलब कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा जी? जीरो से, जीरो से, ठीक है। मतलब जो नंबर होना चाहिए, जो नंबर होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए? जीरो के बराबर होना चाहिए या जीरो से बड़ा होना चाहिए, तब जाके इसको हम नॉन नेगेटिव रियल नंबर बोलेंगे, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब होता है आइदर जीरो और पॉजिटिव, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स जो है, ठीक है, दे आर नोन एज नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चंस में मिलने वाला, क्वेश्चन में बहुत जगह मिलेगा, मैथमेटिक्स के क्वेश्चन में हर जगह मिलेगा कि दिस इज ए नॉन नेगेटिव रियल नंबर, या ऐसा मिल सकता है कि नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर मिल जाए तो इसका मतलब क्या होगा? तो जीरो या जीरो से बड़ा इंटीजर, मतलब जीरो वन टू थ्री फोर फाइव, ये सब क्या हो गया? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हुआ। लेकिन नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब क्या हुआ? जीरो के बाद नेक्स्ट नंबर क्या होते हैं वो तो पता ही नहीं है, जीरो के बाद नेक्स्ट रियल नंबर क्या है वो तो पता नहीं है ना, ठीक है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर में सीधा जीरो के बाद वन जंप मारेंगे। जीरो और वन के बीच में बहुत सारा रियल नंबर है, जैसे 0.1 है, 0.01 है, 0.001 है, तो बहुत सारा रियल नंबर है जीरो और वन के बीच में, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी जीरो से स्टार्ट होगा, और जीरो और जीरो से बड़ा जितना भी रियल नंबर है दे आर ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। तो सिंपल चीज़ है, बस दिमाग में रखना है, ठीक है। बाद में तुम लोग बार बार गलती करोगे कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर को जबरदस्ती पॉजिटिव मान लोगे, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर पॉजिटिव नंबर नहीं होते हैं, पॉजिटिव एंड जीरो होते हैं, ठीक है। चलो, तो ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट था जो कि तुम लोग को तो पहले से ही आना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो मैथ्स का बेसिक है उसमें है इंटरवल्स, इंटरवल्स, ठीक है, ठीक है। देखो, हम लोग को कुछ इंटरवल पढ़ना है, उसमें जो सबसे पहला इंटरवल है उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल क्या होता है वो समझो। मान लो कि एक्स एक रियल नंबर है, एक्स एक रियल नंबर है जो कि ए के बराबर या ए से बड़ा है और बी के बराबर या बी से छोटा है, ठीक है। मतलब कि एक्स एक रियल नंबर है जिसके वैल्यू ए और बी के बीच में है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। तो इस तरह के इंटरवल को हम बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, ठीक है। और अगर ऐसा मिल जाए तो इस चीज को हम लोग कभी कभी ऐसे लिखते हैं, x belongs to स्क्वायर ब्रैकेट लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में सबसे पहले a को लिखते हैं और कॉमा लगा करके b को लिखते हैं और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मतलब इसी चीज को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, तो a इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू b को हम चाहें तो लिख सकते हैं x belongs to स्क्वायर ब्रैकेट में a कॉमा b, ठीक है। और इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर, इंटीजर नहीं, रियल नंबर, ठीक है। विच लाइज बिटवीन a एंड b, इंक्लूडिंग a एंड b, ए और बी के बीच में तो लाइक कर रहा है और ए और बी भी साथ में है, ठीक है। तो इस तरह के इंटरवल को बोलते हैं क्लोज्ड इंटरवल, और क्लोज इंटरवल को हम चाहे तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम एक नंबर लाइन बना दिए, ये नंबर लाइन बना दिए, ठीक है। तो नंबर लाइन इस साइड में इन्फिनिटी तक जाएगा,
और इस साइड में कहाँ तक जाएगा? माइनस इनफिनिटी तक, ठीक है। और ये जो एक्स है, एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग ए एंड बी। ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है, तो नंबर लाइन पे कहीं ए मार्क कर दो, कहीं पे ए को मार्क कर दो, ठीक है। तो नंबर लाइन पे मान लो कि यहाँ पे ए है, उसी तरह से नंबर लाइन पे मान लो कि यहाँ पे बी है, ठीक है। तो एक्स एक रियल नंबर है जो कि ए और बी दोनों के बीच में तो है ही, और साथ में ए और बी भी है। तो ए और बी पे क्या करो कि इस तरह से एक डार्क सर्कल बना दो या सॉलिड सर्कल बना दो, ठीक है, एक डार्क सर्कल बना दो या सॉलिड सर्कल बना दो, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स क्लोज इंटरवल कहां से कहां तक? ए से बी तक, ठीक है। मतलब ये जो रेड कलर हम दिखाए हैं ये बता रहा है कि एक्स एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू ए और बी के बीच में है, इंक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्लोज्ड इंटरवल के बाद में नेक्स्ट जो इंटरवल होता है उसका नाम होता है ओपन इंटरवल, ठीक है, ओपन इंटरवल। तो बी में है ओपन इंटरवल, अच्छा नंबर लाइन के बाद में यूज करेंगे। ओपन इंटरवल ऐसा होता है कि मान लो कि एक से एक रियल नंबर है, सच दैट एक्स का वैल्यू ए से बड़ा है लेकिन बी से छोटा है। एक्स एक रियल नंबर है जिसका वैल्यू ए से बड़ा है लेकिन बी से क्या है? छोटा है। ए और बी नहीं है, ए और बी नहीं है, एक्स का वैल्यू ए और बी के बीच में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्स जो है ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, बाउंड्री यहाँ पे लाई नहीं कर रहा है। तो एक्स लाइज बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, और यहाँ पे बाउंड्री छोड़ रहे हैं, मतलब एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ए और बी को हम साथ में नहीं रख सकते, ठीक है, एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका होता है, इसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिख दो, ठीक है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी लिखते हैं, एक और तरीके से लिखा जाता है, अनदर वे। इसको हम कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं, एक्स बिलोंग्स टू स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिख दो, स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिख दो और अंदर में लिख दो ए कॉमा बी, ठीक है। तो ओपन इंटरवल को लिखने का दो तरीका हुआ है। पहला तरीका क्या हुआ कि स्मॉल ब्रैकेट के अंदर ए कॉमा बी लिख दो, ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट को उल्टा लिख दो और उसके अंदर ए कॉमा बी लिख दो, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट्स ओपन इंटरवल, समझे? ओपन इंटरवल को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो कि ये नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन राइट साइड में इन्फिनिटी तक जा रहा होगा और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा होगा, और बीच में मान लो कि ए और बी है, ए छोटा है और बी बड़ा है, ठीक है। तो एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, एक्स ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, लेकिन ए और बी नहीं है एक्स में, ए और बी को छोड़ना है। तो अगर ए और बी को छोड़ना है तो यहां पे हॉलो सर्कल बना दो, हॉलो सर्कल, या बोल सकते हो रिंग बना दो, क्या बना दो? रिंग या फिर हॉलो सर्कल, ठीक है, सॉलिड सर्कल नहीं, हॉलो सर्कल, ठीक है। तो अगर छोड़ना है तो हॉलो सर्कल बनाते हैं और साथ में रखना है तो सॉलिड सर्कल बनाते हैं। तो यहाँ ए और बी को छोड़ना है इसलिए हम लोग हॉलो सर्कल बनाए, ठीक है। तो अगर हॉलो सर्कल बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इसको छोड़ देना है, पॉइंट को छोड़ देना है, ठीक है। और अगर हम सॉलिड सर्कल बना दे रहे हैं, सॉलिड सर्कल बना दे रहे हैं तो पॉइंट को साथ में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूड करना है, ठीक है, और अगर ऐसा रहे तो क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो ऑब्वियसली अगर क्लोज इंटरवल रहे तो हम लोग सॉलिड
का यूज करेंगे, और अगर ओपन इंटरवल होगा तो हम लोग किसका यूज करेंगे, हॉलो का या फिर रिंग का यूज करेंगे। समझे, कोई दिक्कत इसीता, कहीं पे कोई दिक्कत सर? नहीं इसीता, तुम्हारा टेंथ में था क्या ये चीज, सीबीएसई से हो या आईसीएसई से हो? सीबीएसई, सीबीएसई में नहीं था लेकिन आईसीएसई में था। ठीक है, अब कुछ हम एग्जाम्पल्स देते हैं वो समझना। एग्जाम्पल्स जैसे मान लो ऐसा दिया, टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव। ठीक है, तो पहले तुम ये बताओ ये क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल है? क्लोज इंटरवल है या ओपन इंटरवल? क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर इसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्या डालेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट या ओपन ये स्मॉल ब्रैकेट? स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में पहले टू लिखेंगे और कॉमा लगा के फाइव लिखेंगे। ठीक है, और अगर इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है, नंबर लाइन पे प्लॉट करना है तो पहले नंबर लाइन बना दो। ठीक है, और नंबर लाइन में अब इस बार हम इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी नहीं दिखा रहे हैं, नंबर लाइन में टू पहले आएगा और फाइव बाद में आएगा। ठीक है, टू पे डार्क सर्कल बनाना है या फिर हॉलो सर्कल बनाना है बताओ? टू पे कौन सा सर्कल बनाना है? डार्क सर्कल। ठीक है, और फाइव पे क्या बनाना है? वही डार्क सर्कल, और बीच में थोड़ा थिक कर दो, मोटा कर दो। ठीक है, तो दिस रिप्रेजेंट्स टू इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल में मान लिया जाए ऐसा दे दिया, माइनस वन इज लेस देन एक्स इज लेस देन जीरो। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ कर दिए, नंबर लाइन पे हम लोग माइनस वन और जीरो मार्क कर लेंगे। ठीक है, माइनस वन पे सॉलिड रिंग बनाना है या फिर हॉलो रिंग बनाना है बताओ? हॉलो रिंग। हॉलो रिंग, इसके सॉलिड डिस्क होता है, हॉलो रिंग होते हैं। ठीक है, कोई नहीं, भावनाओं को समझो। तो यहाँ पे हॉलो रिंग बना देना है और जीरो पे भी हॉलो रिंग बना देना है, और बीच में क्या करेंगे, एक थिक लाइन ड्रॉ कर देंगे। हाँ ये तो ऐसे लिखे हैं भाई, इसको लिखने का तरीका नहीं लिखे। अच्छा, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट डालोगे, स्मॉल या बिग? स्मॉल ब्रैकेट, तो माइनस वन को मजीद, बिग ब्रैकेट भी डाल सकते हैं, लेकिन बिग ब्रैकेट को कैसे करना है, उल्टा कर देना है। उल्टा। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। चलो, तो तुम लोग तेज हो गए। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा दिया हुआ है कि माइनस टू इज लेस देन एक्स इज लेस देन इक्वल टू थ्री। अब देखो लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्लोज है। ठीक है, तो ये हो गया ओपन क्लोज इंटरवल, ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ओपन है और राइट साइड में क्या है, क्लोज है, इसको हम बोलेंगे ओपन क्लोज इंटरवल। ठीक है, अगर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू, जिधर ओपन है उधर स्मॉल ब्रैकेट, जिधर क्लोज है उधर स्क्वायर ब्रैकेट, और माइनस टू कॉमा थ्री लिख दो। किन्हीं को दिक्कत इसमें बोलो, अनिमा दिक्कत यहाँ पे नहीं? ठीक है, अब इसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मान लो ये तुम्हारा नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन पे माइनस टू मार्क करो और थ्री मार्क करो। ठीक है, माइनस टू पे हॉलो सर्कल बनाएंगे या सॉलिड डिस्क बनाएंगे बताओ? हॉलो। हॉलो ब्लरिंग, और थ्री पे क्या बनाओगे, डिस्क। ठीक है, हाँ वही डार्क सर्कल या डिस्क, जो भी बोलो भाई। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इसमें भी। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल में ऐसा दे दिया कि एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अब बड़ा खतरनाक हो गया, अब सिर्फ ऐसा दे दिया कि एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 2 के बराबर है या तो उससे बड़ा है।
और अपर लिमिट के बारे में तो कुछ बोल नहीं रहे, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि x का वैल्यू जो है वो 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, लेकिन पक्का इन्फिनिटी से छोटा होगा। 2 के बराबर या 2 से बड़ा है, ठीक है, और अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है भाई, अपर लिमिट नहीं दिया हुआ है तो अपर लिमिट कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इन्फिनिटी में कभी भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे, इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी किसी भी नंबर के बराबर नहीं होते हैं, इन्फिनिटी किसी भी नंबर से बड़ा होते हैं, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 को हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इन्फिनिटी। किसी को दिक्कत? राहुल बताइए, आपको दिक्कत है इसमें? नो सर। नो सर, ठीक है। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख दिए, अब इसको ब्रैकेट वाला फॉर्म में लिखते हैं। तो ब्रैकेट वाले फॉर्म में अगर लिखना है तो x बिलोंग्स टू, लेफ्ट साइड में क्लोज है, तो क्लोज के लिए कौन सा ब्रैकेट? तो क्लोज के लिए बिग ब्रैकेट, और राइट साइड में कौन सा है? तो इक्वल टू नहीं है, तो इन्फिनिटी है, और उसमें इक्वल टू होता नहीं है, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाएंगे। स्मॉल ब्रैकेट 2 पहले रखो, इन्फिनिटी बाद में रखो, ठीक है। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करेंगे तो देखते हैं। तो सपोज दिस इज नंबर लाइन, ठीक है, नंबर लाइन इधर इन्फिनिटी तक जा रहा होगा और इस साइड माइनस इन्फिनिटी तक, ठीक है। 2 कहीं पे भी मार्क कर लो, चलो यहां पे 2 मार्क कर लिए। तो x का वैल्यू 2 के बराबर है या 2 से बड़ा है, और कहां तक है? अप टू इन्फिनिटी। ऐसे एरो लगा दो, एरो लगा दो, एरो लगा दिए, तो एरो लगाने का मतलब क्या हुआ? इन्फिनिटी तक जा रहा है। हाँ, 2 पे क्या करना होगा? 2 पे क्या करना होगा? रिंग या डिस्क? सर्कल। कौन सा सर्कल? डार्क। डार्क, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, x इज लेस देन माइनस 3, x इज लेस देन माइनस 3, तो माइनस 3 से छोटा बोला है, लेकिन कितना छोटा वो तो बोला नहीं है, तो माइनस 3 से छोटा कहां तक होगा? माइनस इन्फिनिटी तक होगा, समझे? तो अगर x लेस देन माइनस 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस इन्फिनिटी इज लेस देन x इज लेस देन माइनस 3, क्योंकि माइनस 3 से छोटा दिया हुआ है भाई x, लेकिन कितना छोटा वो तो बोला नहीं है। तो अगर बोल दिया कि x के वैल्यू माइनस 3 से छोटा है, मतलब कि माइनस 3 से छोटा है और उससे कम होते जा रहा है, और कहां तक जाएगा? माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। और अगर इसको हम ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखें तो ब्रैकेट में दोनों जगह स्मॉल ब्रैकेट यहां पे यूज होगा, क्योंकि कहीं पे इक्वल टू तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। इधर माइनस इन्फिनिटी होगा और इधर क्या होगा? माइनस 3 होगा। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3, ठीक है, ओपन इंटरवल। अब इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, राइट साइड में इन्फिनिटी और लेफ्ट साइड में माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। कहीं पे माइनस 3 मार्क कर लो, तो x का वैल्यू माइनस 3 से छोटा है, और कितना छोटा है? पूरा माइनस इन्फिनिटी तक है। तो इस साइड में थोड़ा थिक बना करके के माइनस इन्फिनिटी की तरफ एरो दे दो, ठीक है। और माइनस 3 पे क्या बनाना है? रिंग बनाना है या फिर डार्क सर्कल बनाना है? रिंग, रिंग, रिंग। माइनस 3 पे ओपन है भाई, माइनस 3 पे ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट है ना। चलो, तो ये वाला क्लियर हो गया तुम लोगों को, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इंटरवल में बस इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब हम लोग मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी, ठीक है। इनइक्वालिटी आईआईटी जेई का, मतलब जेई एडवांस का सबसे फेवरेट टॉपिक है। इनइक्वालिटी जेई एडवांस का सबसे फेवरेट टॉपिक है। अब कुछ बच्चे बोलोगे, सर हमको तो सिर्फ बोर्ड लेवल पढ़ना है, आईआईटी के लिए हमको पढ़ना नहीं है, ठीक है। नहीं सर, पढ़ना है। अरे कुछ बच्चे के बारे में बोले, हम सबके बारे में नहीं बोले, ठीक है। तुम्हें पढ़ना है, चलो अच्छी बात है, मेरे पास पढ़ने आया हो तो आईआईटी के लिए पढ़ना ही चाहिए भाई, है ना। तो
तो अगर मान लो कि आईआईटी तुम्हें देना है, तो आईआईटी का सबसे फेवरेट टॉपिक है इनइक्वालिटी, और लाइफ में भी हर जगह इनइक्वालिटी है भाई, लाइफ में हर जगह इनइक्वालिटी है। जैसे तुम लोग में से जितने भी बच्चे हो, सबका डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, सबका एज डिफरेंट है, तो इक्वालिटी है इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी है, ठीक है। किसी के पापा के पास बहुत पैसा है, किसी के पापा के पास बहुत कम पैसा है, ये क्या है, इक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है? इनइक्वालिटी है, ठीक है। किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास सिंपल सैमसंग का फोन होगा, ठीक है, ये भी क्या है, इनइक्वालिटी है, ठीक है। तो लाइफ इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है, लाइफ इज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी, ठीक है। कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, इक्वालिटी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, हाँ, लेकिन उसी में हैप्पी रहना चाहिए, ठीक है। तो मैथमेटिक्स का भी सबसे फेवरेट टॉपिक है इनइक्वालिटी, और इनइक्वालिटी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट भी लगता है, ठीक है। वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये डिफिकल्ट भी लगता है। आराम से सुनना, आराम से समझना, समझ में आएगा। अभी हम हार्ड वाला इनइक्वालिटी नहीं पढ़ाएंगे, इजी वाला इनइक्वालिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट किया जाए इनइक्वालिटी। देखो, देयर आर सर्टेन रूल्स। सबसे फर्स्ट रूल, रूल वन ये है कि मान लो कि दो रियल नंबर है, ए और बी, ठीक है। ए और बी दो रियल नंबर है, सच दैट ए इज स्मॉलर देन बी, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो दोनों साइड में अगर एक ही रियल नंबर को ऐड कर लें, एक ही रियल नंबर को ऐड कर लें, तो सेम ही इनइक्वालिटी रहेगा। मतलब यहाँ पे अगर स्मॉलर देन था तो यहाँ भी स्मॉलर देन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू रहे तो यहाँ पे स्मॉलर देन इक्वल टू हो जाएगा, और अगर यहां पे ग्रेटर देन हो तो यहां भी ग्रेटर देन होगा, और यहां पे अगर ग्रेटर देन इक्वल टू हो तो यहां पे क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू होगा, ठीक है। तो बस हम ऐसे लिख रहे हैं कि a लेस देन b है, तो a प्लस सी इज लेस देन b प्लस सी होगा, ठीक है। ये बस बताने के लिए बताए हैं, लेकिन चार साइन में कोई भी साइन पॉसिबल है, चार साइन में कोई भी साइन पॉसिबल है। चार साइन बोलने का मतलब ये हुआ कि एक साइन लेस देन, दूसरा लेस देन और इक्वल टू, तीसरा ग्रेटर देन, और चौथा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। ये वाला रूल ये बता रहा है कि यहाँ पे जो इनइक्वालिटी रहेगा वही इनइक्वालिटी यहाँ भी रहेगा, ठीक है। कब? जब हम एक ही नंबर दोनों साइड में ऐड करेंगे, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं तो और आइडिया क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो कि माइनस टू ले लिए और थ्री ले लिए, तो माइनस टू और थ्री में बड़ा कौन है? तो थ्री बड़ा है, माइनस टू छोटा है, ठीक है। तो माइनस टू और थ्री में थ्री बड़ा है। अब ऐसा करो कि दोनों साइड में थ्री ऐड कर लो, दोनों साइड में थ्री ऐड कर लो, तो माइनस टू प्लस थ्री कितना होगा, वन, और थ्री प्लस थ्री कितना होगा, सिक्स। अब कौन बड़ा है? सिक्स बड़ा है, ठीक है। तो यहां जो साइन था वही साइन यहां पे है, ठीक है। तो अगर एक ही नंबर को ऐड करें दोनों साइड में तो साइन सेम ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, एडिशन इज सेम एज सब्ट्रैक्शन, एडिशन इज सेम एज सब्ट्रैक्शन, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि माइनस टू इज लेस देन थ्री, ठीक है, और इस साइड में माइनस थ्री कर दिए और इस साइड में भी माइनस थ्री कर दिए, ठीक है। अच्छा, माइनस थ्री इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस थ्री, ऐसा बोल सकते कि नहीं? माइनस दो से माइनस थ्री को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इज सेम एज माइनस टू प्लस माइनस थ्री, ठीक है। तो अलजेब्रा में प्लस माइनस दो अलग अलग चीज नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। मतलब हम ऐसा किए कि माइनस टू के साथ एक निगेटिव नंबर ऐड कर लिए और थ्री के साथ भी क्या किए, सेम ही निगेटिव नंबर ऐड कर लिए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली दिस इज इक्वल टू दिस जो यहां पे लिखे, ठीक है। अब टू माइनस थ्री कितना होगा, माइनस फाइव, और थ्री माइनस थ्री कितना होगा, जीरो।
तो माइनस फाइव और जीरो में बड़ा कौन जीरो क्या है, तो सेम ही इनइक्वालिटी होल्ड किया। तो अगर सेम ही नंबर हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, ठीक है। और इसका यूज करके हम लोग कैंसिलेशन लॉ डेवलप कर सकते हैं। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो कि तुमसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि 2x plus 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। अच्छा 2x plus 3 छोड़ देते हैं, x plus 3 लिखते हैं, x plus 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, और बोला कि x का वैल्यू बताओ, ठीक है। तो x का वैल्यू बताना है तो लेफ्ट साइड में 3 नहीं होना चाहिए, और 3 को हटाना है तो 3 को हटाने का बेस्ट तरीका है कि माइनस 3 ऐड कर लो। 3 को हटाने का बेस्ट तरीका क्या है, माइनस 3 ऐड कर लो। तो अगर लेफ्ट साइड में माइनस 3 ऐड करोगे तो राइट साइड में भी माइनस 3 ऐड करना पड़ेगा, और एक ही नंबर को अगर हम ऐड कर दें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होता है। तो अगर पहले लेस देन इक्वल टू था तो अभी भी लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में 3 माइनस 3 तो गायब हो गया, बचा x, और राइट साइड में क्या हो गया 2, ठीक है। अब देखो ये जो सेकेंड स्टेप किए हैं, मतलब यहाँ पे ये जो काम किए हैं इसको ऐसे लिखने की जरूरत भी नहीं, ऐसा लिखने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। जैसे तुम लोग इक्वेशन सॉल्व करते थे तो इक्वेशन में क्या करते थे कि वेरिएबल एक तरफ रखते थे, कांस्टेंट दूसरी तरफ। तो हम लोग क्या करते थे इक्वेशन में कि अगर यहाँ पे 3 है तो 3 को इधर लेके चले जाते थे, और 3 उधर जाता था तो माइनस 3 बन जाता था। तो यहाँ भी वही काम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ये पहली बार बताने के लिए ऐसा किए हैं, अदरवाइज उसका कोई ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्ट इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x इज लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 3, मतलब 3 को इधर लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया तुम लोगों को, बोलो। यस सर, यस सर, ठीक। तो रूल वन था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए, अब रूल टू। रूल टू है मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, ठीक है। मान लो कि ए एक रियल नंबर है जो कि बी से छोटा है, ठीक है, और ए और बी दोनों को एक थर्ड रियल नंबर सी से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। लेकिन सी जीरो नहीं ले रहे हैं, सी जीरो नहीं ले रहे हैं, एक थर्ड रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि जीरो नहीं है, ठीक है। तो क्या यहाँ पे सेम ही साइन रहेगा या फिर चेंज होगा, बताओ, तुम लोग सोच के बताओ। सेम साइन रहना चाहिए, चेंज होना चाहिए, इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स। सेम साइन भी रह सकता है और उल्टा साइन भी हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव होगा तो उल्टा होगा, हाँ। अगर सी पॉजिटिव रहे, अगर सी पॉजिटिव रहे तो सेम साइन रहेगा, लेकिन अगर सी नेगेटिव हो तब उल्टा साइन हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्रोडक्ट करते वक्त ध्यान देना है, अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो साइन सेम ही रहेगा, मतलब यहाँ पे अगर लेस देन है तो यहाँ भी लेस देन होगा, लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन उल्टा हो जाएगा। अब तुम लोग बोलेगे सर कैसे मान लें, मत मानो, मत मानो, मेरा क्या जाता है। चलो ठीक है, एक्सप्लेन करते हैं भाई, एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लो कि दो रियल नंबर लिए, एक 2 लिए और एक 5 लिए, ठीक है। बड़ा कौन है, 5 बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे लिख दिए, अब ऐसा करो कि दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों साइड में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 3 जा कितना होगा 6, और 5 3 जा कितना होगा 15। अब बताओ बड़ा कौन है, 15 बड़ा है या 6 बड़ा है, 15, ठीक है। सेम साइन है या डिफरेंट साइन है, सेम ही साइन है, ठीक है। तब ये वाला तो जस्टिफाई हो गया भाई, ऊपर वाला जस्टिफाई हो गया, ऊपर वाला, क्योंकि यहाँ पे जो हम मल्टीप्लाई किए हैं वो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं, पॉजिटिव नंबर से, 3 इज ए पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं,
दूसरा में मान लो कि 5 है और इधर माइनस 2 है, बड़ा कौन है भाई, 5 या माइनस 2? 5, ठीक है। अब दोनों साइड में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, दोनों साइड में माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 इंटू माइनस 2 कितना होगा, माइनस 10, और माइनस 2 इंटू माइनस 2 कितना होगा, 4। अब बताओ बड़ा कौन है, सेम साइन है या उल्टा साइन हो गया? उल्टा। मतलब यही हुआ कि अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो साइन उल्टा हो जाएगा, और पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो सेम साइन रहेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 2 और 4 ले ली, तो ऑब्वियसली 4 बड़ा है 2 छोटा है, हम दोनों साइड 2 से डिवाइड कर ली, ठीक है। तो तुम बोलोगे सर हम तो, मतलब तुम बोलोगे कि सर आप तो बताए हैं कि मल्टीप्लीकेशन का तरीका, मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि तुम बोलोगे कि सर आप तो मल्टीप्लीकेशन का तरीका बताएं और बता रहे हैं यहाँ पे डिवीजन। अच्छा 2 बाई 2 को ले सकते हो, 2 इंटू 1 बाई 2? यस सर। तो डिवीजन इज सेम एज मल्टीप्लीकेशन, 2 से डिवाइड करना इज सेम एज 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना भाई, है ना? तो 2 से डिवाइड करना इज सेम एज 1 बाई 2 से मल्टीप्लाई करना। तो 2 बाई 2 और 4 बाई 2 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो 2 बाई 2 कितना होगा 1 और 4 बाई 2 कितना होगा 2। अब बड़ा कौन है भाई, 2 बड़ा है, तो साइन सेम ही रह गया। रीजन ये है कि सेम ही नंबर से दोनों साइड में मल्टीप्लाई किए हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू सेम ही नंबर से दोनों साइड में डिवाइड किए हैं, ठीक। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि माइनस 2 है और इधर माइनस 5 है, बड़ा कौन है भाई, माइनस 2 की माइनस 5? माइनस 2 बड़ा है, ठीक है, माइनस 2। अब दोनों साइड में ऐसा करो कि माइनस 2 से डिवाइड कर लो, ठीक है, तो माइनस 2 बाई माइनस 2 कितना होगा 1, और माइनस 5 बाई माइनस 2 2.5 आएगा, तो बड़ा कौन है, 2.5 या 1? 2.5। अरे 2.5 बड़ा है भाई, तो 2.5 1 से बड़ा है, तो 2.5 1 से बड़ा हुआ तो यहाँ देखो इनइक्वालिटी उल्टा हो गया। इनइक्वालिटी उल्टा होने का रीजन क्या है, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ, मतलब बोलने का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, इनइक्वालिटी होल्ड करेगा, मतलब सेम ही इनइक्वालिटी रहेगा। लेकिन नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो इनइक्वालिटी क्या हुआ, चेंज हो जाएगा, समझे? अब इसका कुछ एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन, सॉल्व फॉर एक्स, टू एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 2, 2x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल टू 5x प्लस 2, ठीक है। तो जैसे इक्वेशन को सॉल्व करते थे वैसे इसको सॉल्व करो, वेरिएबल्स को एक तरफ ले आओ, कॉन्स्टेंट को दूसरी तरफ लेके जाओ, ठीक है। तो हम क्या किए कि 5x को लेफ्ट की तरफ ले आए और 3 को राइट की तरफ लेके चले गए, कोई दिक्कत? 5x को लेफ्ट में लेके आए और 3 को राइट लेके गए, है ना? तो 5x लेफ्ट में आया तो माइनस 5x और 3 राइट गया तो माइनस 3, ठीक है। अब 2x माइनस 5x कितना होगा, माइनस 3x, और 2 माइनस 3 कितना होगा, माइनस 1, तो ऐसा होगा। अब हमें x का वैल्यू बताना है, ठीक है। x का वैल्यू बताने के लिए क्या करोगे तुम लोग, माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे? डिवाइड, माइनस 3 से डिवाइड होगा। तुम ऐसा बोल सकते हो कि माइनस 3 हम राइट लेके जा रहे हैं, बोल सकते हो कि माइनस 3 राइट लेके जाएंगे, तो माइनस 3 राइट लेके जाएंगे तो डिवाइड होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहाँ पे माइनस 3 से दोनों साइड डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग एक्चुअल में माइनस 3 से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, ठीक है।
तो अगर हम -3 से दोनों साइड में डिवाइड करें तो -3 नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव नेगेटिव है तो सेम साइन होगा या उल्टा साइन होगा? नेगेटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है तो साइन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे केयरफुल रहना है, ये बड़ा खतरनाक स्टेप है। इधर कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि इधर तो प्लस माइनस हुआ है, ठीक है, लेकिन ये वाला स्टेप खतरनाक है। यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं, उनका हैबिट होता है कि लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ भी लेस देन इक्वल टू लिखेंगे भाई, वो तो ध्यान ही नहीं देंगे कि -3 से डिवाइड किए हैं जो कि निगेटिव नंबर है। ठीक है, तो केयरफुल रहना है। हाँ, केयरफुल लिख के ही रखते हैं भाई। तो अल्टीमेटली क्या मिला, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3, दिस इज द आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। अच्छा, अगर इसको ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखें, ब्रैकेट वाले फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे बताओ तो? एक्स बिलोंग्स टू, क्या लिखना चाहिए बताओ? अनिमा तुम बताओ क्या लिखेंगे? अनिमा हो यहां पे? शायद दिक्कत हो रहा है उसको। अच्छा कोई और बताओ भाई, ब्रैकेट वाले फॉर्म में क्या होगा? स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 कॉमा इनफिनिटी और स्मॉल ब्रैकेट। राइट राइट, स्क्वायर ब्रैकेट 1/3 कॉमा इनफिनिटी और स्मॉल ब्रैकेट, क्योंकि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 का मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू 1/3 से इनफिनिटी तक है। सिंपल भाई, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 का मतलब क्या हुआ कि x का वैल्यू 1/3 के बराबर है या उससे बड़ा है, तो बड़ा कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। तो 1/3 के बराबर है तो वहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, और इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन मतलब कि स्मॉल ब्रैकेट ही लगते हैं, है ना? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में तुम लोग हमको बताना, हमको नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 2x-3 इज ग्रेटर देन 4x-1। ठीक है, चलो अगला स्टेप में क्या करेंगे बताओ तुम लोग, बताओ क्या लिखेंगे? हाँ, तो इस सब वेरिएबल को एक तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, लिखो बताओ, हमको नहीं आता है, बोलो। प्लस 4x लिखोगे या -4x लिखोगे? जल्दी 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 बोलते चलो, जल्दी जल्दी बोलते चलो। -4x -4x, और साइन यहाँ पे ग्रेटर देन होगा या स्मॉलर देन होगा? ग्रेटर देन, क्योंकि प्लस माइनस में साइन चेंज नहीं होता है, है ना? यहाँ -1 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? +3। ठीक है, +3। अब नेक्स्ट स्टेप में 2x-4x होगा, जिसको क्या लिखोगे? -2x। ठीक है, और राइट साइड में -1 + 3 क्या होगा? 2। यहाँ पे साइन क्या होगा? साइन वही रहेगा, क्यों चेंज होगा? अरे इसको सिंपलीफाई किए ना, ये तो प्लस माइनस ठीक किए ना, -2 लेकिन छोटा हो जा रहा है। अरे भाई, अरे भाई, -2 थोड़ी ना है, -2x है। तो इसमें जब -2 से डिवाइड करेंगे तब साइन पलटेगा। हाँ, मतलब यहाँ तक तो साइन नहीं पलटेगा ना, यहाँ पे साइन नहीं पलटेगा। ठीक है, अरे इसी स्टेप को ना आगे लेके गए हैं, तो इस स्टेप को आगे लेके गए हैं, तो बेसिकली यहाँ पे क्या किए हैं हम, प्लस या माइनस किए हैं। तो प्लस माइनस में इनइक्वालिटी थोड़ी चेंज होता है, इनइक्वालिटी कब चेंज होता है? जब डिवीजन होता है या मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, अब अगला स्टेप में एक्स चाहिए, -2 राइट लेके जाएंगे, तो -2 राइट में लेके जाएंगे तो -2 से डिवाइड होगा। अब नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे -2 से डिवाइड हुआ है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड हुआ है, तो साइन चेंज होगा, साइन इस स्टेप में चेंज होगा। समझे सब लोग? अभिषेक कुमार मंडल, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, एक्स लेस देन -1। ठीक है, अगर हम इसको ब्रैकेट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे आदित्य, ब्रैकेट के फॉर्म में क्या लिखेंगे? स्मॉल या स्क्वायर? स्मॉल।
ठीक है। बाकी लोग बताओ, आदित्य सही बोले कि आदित्य पागल हो चुके हैं? सही है सर। सही, ठीक है। अच्छा अब हम बोल दिए किसको नंबर लाइन पे प्लॉट करो भाई, नंबर लाइन पे प्लॉट करो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट ऐसे करेंगे, कहीं पे माइनस वन मार्क कर लिए, ठीक है। हम जैसे नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, तुम बताना सही है या गलत है। बताओ सही है गलत है, क्या गलती कर गए हैं? रिंग होगा, रिंग होगा। चलो अब तुम लोग तेज हो गए, ठीक है, तेज हो गए।